साइज में छोटा पर जायके में पूरा। लो जी साबित हो गया, साइज डज नॉट मैटर। साइज छोटा भी हो तो मजे पूरे देता है। ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सारी गेम मजे की है। लड़की खुद गवाही दे रही है, साइज में छोटा लेकिन जब मुंह में डालो तो मजा पूरा देता है। केकरा सोते ही बड़ा मजेदार है। केकरा छोटा भी हो तो कोई बात नहीं, साइज डज नॉट मैटर। बस ख्याल है कब बढ़ाना हो जिसमें डालना है, वरना केकरा गुम भी हो सकता है। गाड़ी छोटी भी हो तो चलेगी, साइज डज नॉट मैटर। बस जान लगानी है, पार्किंग बड़ी ना हो, गुम भी सकती है। केकरा बनाने वाले ये देख के शायद फायर नहीं करते कि इसका छोटा कद, बल्कि वो स्किल देख के करते हैं कि ये कुक कर सकता है। घर छोटा हो या बड़ा, साइज डज नॉट मैटर। ओनली बच्चे मैटर्स। छोटे घरों में बच्चे ज्यादा होते हैं, बड़ों में कम। इससे साबित हो गया कि छोटे घरों वालों का सिर्फ घर ही छोटा होता है। छोटों में एक ही कमरे में चार बच्चे टांग पे टांगे फेंक के सो रहे होते हैं, वहाँ साइड पे पांचवें की मेकिंग चल रही होती है। यहाँ पे साइज मैटर करता है या नहीं ये मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि कबूतर भी जहाज इतना ऊपर उड़ सकता है, चाहे कबूतर की एक आंख हो। कभी कभी मूंगफली का छोटा सा दाना भी पूरी खेती उजाड़ देता है। छोटा जहाज बड़े से बेटर हो सकता है, स्पीड और टाइमिंग दोनों में। F-16 और PAE का देख लो, बड़ा होना जरूरी नहीं, खड़ा होना जरूरी है आपके बालों का, वरना आपकी गर्लफ्रेंड आपके दोस्त के साथ दौड़ जाएगी। जब आप डेट पे जाने से पहले सस्ती जेल लगा के खड़ा करेंगे अपने बालों को, अपने यामा में इकट्ठा 60 का पेट्रोल डलवा के डालने जा रहे होंगे। अंगूठी अपनी बंदी को, रास्ते में उंगलियां डालने की होशियारी आएगी अपने बालों में, उंगलियां बालों में ही फंस जाएंगी। आपका सेक्सी डांस करने से पहले एक्सीडेंट होकर पटाखा पै जाएगा। आप गर्लफ्रेंड के बेड से पहले जना के बेड पे पड़े होंगे। आपकी गर्लफ्रेंड और आपका बेस्ट फ्रेंड आपका पता लेने आएंगे। आपको उंगलियों की होशियारी आई थी, उनको भी उंगलियों की होशियारी आएगी। छोटी उंगल बड़े अंगूठे में फंसा के सेटिंग कर लेंगे। जब तक तुम्हें छुट्टी मिलेगी तुम्हारी छुट्टी हो चुकी होगी, क्योंकि दोस्तों पहले ही वेट कर रहा होता है इनका ब्रेकअप कब होगा। वो दोनों में एक डोलन लेने डेट पे पहुंचे होंगे, आप दोनों को साथ दे के गुस्सा करेंगे, थोड़ा सा गुस्सा फिर आपका दोस्त भी करेगा और आप फिर जना पहुंचे होंगे। दोस्त और सहेली दोनों हाथ से जाएंगे, इसलिए हाथ पे अच्छी जल लगा के खड़ा करें। वैसे भी सस्ती जल से आप बाल गिरने से गंजी सुहाग बन सकते हैं, वैसे तेल सबसे बेस्ट है, मैं तो थूक लगा के भी खड़े कर लेता हूं। यही नहीं अभी और सुनिए, आपकी बेबी अपने बाबा मामा को टाटा बाय बोल के आपको हाय बोल दे कि काशिफ घर पे कोई नहीं है, जल्दी से पहली फुसरत में पहुंचो, और के पहले बताओ कुछ करोगे तो नहीं। तुमको नहीं बेबी, मैं ऐसा लगता हूं आपको, मैं रूह से प्यार करता हूं जिस्म से नहीं। वो के चल फिर रहन दे, की करना आके। खैर मजाक कर रहा हूँ, आप अपने गंदे बालों पे गंदी जेल लगा के दीवार टाप के बेबी के अंदर, मेरा मतलब है बेबी के कमरे के अंदर सेस्की डांस चल रहा हो। आप उसके बालों में हाथ डालें फिसल जाए, वो हाथ डाले तो फंस जाए, वो फंसने के बाद के व्हाट द लक माय हैंड इज स्टक। आप फंसे हाथ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से बेबी का बाबा आ जाए, मतलब ऊपर ऊपर से पहले ही ऊपर से रंगे मुंह छापा पै जाए, उसके बाद आपकी सही लंगर परेड हो, आपकी लड़की भी रोला पा दे। चोर 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 चोर। इसलिए हमेशा अच्छी जेल लगा के जाओ, तुम 450 लगा के खड़ा करके बालों को फुल पप्पू बच्चा बन के जाओ कि इस दफा नहीं पा देनी है, और फिर फटे जाओ। तुम ये भी कह के बच सकते हो कि अंकल वो मेरी बहन का मोबाइल खराब हो गया था, वही सही करने आया हूँ। अंकल शर्ती आपकी बहन को दे के भेजेंगे, लेकिन इन्होंने दिखाया कि इनकी जेल लगाने की वजह से बाबे के हाथ बालों से फिसल के हीरो बच गया। बाल है मेरा क्या यकी ऐड है, मतलब इनकी जेल खरीदो अपनी बंदी के प्यो से बचने के लिए। कुछ भी, बंदा जेल खरीदे, अब्बा पीछे फायर मार दे, और बेटी को के मर गया मादर चोर ला 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 ला। एडा रहंदा नहीं मत्ती का वड़ जानी दा, पकड़ा फिर भी जाना है। वर्मेश परमा ने कहा था सब फड़े जानगे, किसी ने नहीं मानी थी। मिलने के लिए जेल बड़ा मसला नहीं, असला बड़ा मसला है। असला कवर लेके जाओ, जिसकी मथीरा एम्बेसिडर है। मेरी बातों को सीरियस लेके सचमुच ना चले जाना। ये वीडियो सिर्फ शुगल मेले और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, वरना पकड़ेंगे तो ना गन मिलनी है ना गन का कवर, बुद्धे लाल कर देते हैं अगले। मुखैया हजरात तो और दूर रहे, वरना पहले ही आपके पास पैसा नहीं लगे पड़े, और जो लगा वो भी नहीं रहना, अगले कार्ड भी देते हैं। आम सूत्र कहता है कि लालच को जितना पकने दो मिलन उतना ही मीठा होता है। सब्र करो और बरसने दो अब्र को, बहक ये महकने दो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। प्योर मैंगो प्लेजर। साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। कटरीना का ऐड आंखें बंद करके देखो तो लगता है कुछ और ही चल रहा है। स्लाइस जूस का ऐड नहीं, किसी डोनकॉन्ग का ऐड है। मिलन उतना ही मीठा होता है। यह लगता है बंदा कोई गंदी फिल्म देख रहा है। और मथीरा का ऐड देखो तो लगता है मैंगो जूस का ऐड है। आम को पता लग जाए ना कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, उसकी शक्तियों का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो आने ही छोड़ दे। आम सुथरा के ऐड में काम सुथरा करने की फीलिंग ली जा रही है। 12 साल पहले जब कुछ नहीं था, ना मोबाइल ना इंटरनेट, तब बच्चे कटरीना के बुलों पे आम सुथरा का रस गिरते देख के मजे लेते थे। समझ नहीं आती थी कि जूस का ऐड है या प्रॉन चल रही है, तब के लिए यही प्रॉन थी। ऐड से पहले इनको लिखना चाहिए था मैंगो स्लाइस नॉट फॉर किड्स, तब तो फैमिली में बैठ के मैच देख रहे होते थे, बीच में साथी है सबके साथ वाले ऐड चल रहे होते थे। हम समझते थे शायद कोई प्यार मोहब्बत
की मशहूरिया थी तो प्यार मोहब्बत की, लेकिन वो तो बड़ा होके अब पता चला कि कौन से वाले प्यार मोहब्बत की थी। कई तो इतने रामी थे ये फल का जूस ऐड देखने के बाद अपने फल से जूस निकालने चले जाते थे, क्योंकि उनको पता था सबर का फल मीठा होता है, लेकिन अगर ज्यादा सबर करो तो फल खराब भी हो सकता है। दीवारों पे भी इश्तेहार ऐसे नहीं लगे होते कि करदाना मजदूरी का इलाज सिर्फ 40 दिन में। दुनिया के सारे मसले आज भी दूसरे नंबर पे हैं। पहला मसला अपना असला है, बिला वजह गोलियां चला चला खत्म हो गया। जंग के टाइम पे गोली नहीं बचती, फिर गोली लेनी पड़ती है। मथीरा तो लेजेंड है, ये बंदी कुछ ना कुछ नया जरूर करती है। सिंदड़ी मैंगो यूज करो और सीधा मिल्कशेक ही निकालो, ये पंजाबी की वो मिसाल पूरी कर रहे हैं। अंब ले ला, इसलिए मार्केट से मैंगो शॉर्ट हो गए। अच्छा ये तो सिंदड़ी है, अगर किसी को लंगड़ा चाहिए वो क्या करे। नौजवानों के लिए गर्मी का ये तोहफा देख के मिर्जा गाली भी कंफ्यूज है। और कौन सा ऐसा दरख्त है भाई जहाँ गुब्बारे उगते हैं, ऊपर से कतरे गिर रहे हैं, नीचे कतरे रोकने वाले लगे हैं, सारे हमारी लेने में लगे हैं, हम इनसे ये ले लें। क्या फायदा लेने का जब लगाना कबाब ही है, कहाँ यूज करें। साथ यूज करने के लिए भी कुछ दो। पहले यूएन ने कहा 2,20,00,000 जवान पाकिस्तानी शादी का इंतजार कर रहे हैं, और ये यूएन के मुताबिक है, वरना सारी कर रहे हैं। पहली दफा मेरा जिक्र किसी खबर में हुआ है। जाओ घर वालों को कहो जो कहते थे तुम कुछ नहीं करोगे, उनको दिखाओ तुम खबरों में आ रहे हो। किसी की सेटिंग होने भी लगे तो माँ बाप बीच में आ जाते हैं। ओ भाई ये सीमेंट की मशहूरी है, दीवार इतनी पक्की बने कि लड़की लड़का मिल ना सके, मेन दरवाजा और विंडो साइड पे रो रहे हैं, और दीवार पे लांगना लेफ्ट ही चैट। इतने साल गुजर गए लड़की का अब्बा नहीं गुजरा होगा, लड़के को गेट से जाना चाहिए था। नहीं अगर गेट से चला जाता तो सीमेंट का प्रचार कैसे होता, फूल अभी तक हाथ में है, फूल ना हो गया हो गया, अब इसी शहर में डाल के निकल ले। क्या सीमेंट है यार, मानना पड़ेगा। एक दफा जिसने इसे घर बना लिया पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। कलयुग खत्म पर घर वही पूरे टचिंग ऐड है। दीवार कूदने की जहमत ही नहीं की सस्ते आशिक ने। जितना मजबूत प्यार उतनी ही मजबूत दीवार। और डोर कह रहा मैं क्या करूं जॉब छोड़ दूं। यही अगर प्यार देने के बजाय हथियार देने का चक्कर होता तो लड़का कब का अंदर होता। लेकिन अगले का मकसद ठोकना नहीं था, तभी ठोकता रहा। व्हेन यू यूज 100% ब्रेन फॉर लव। बरसों के बाद आवाज सुननी ली, पुरानी मोहब्बतें थी सबर वाली, अब की तो दूसरी रात नूडल मांग लेती हैं। जिंदगी हो या खाना सबर से ना पके तो मजा नहीं आता। पर इतना भी सबर ना हो के बंदा दीवार को चाइना की दीवार समझ ले, इतनी देर में तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी सर हो जाए। इतनी देर में जितना सुराग दीवार में किया, आज के भी सबर इससे बड़ा कहीं और कर दे। मथीरा बताओ इनको सही कह रहा हूँ कि नहीं। खैर ये क्या बताया कि इसके गुब्बारे नहीं बिक रहे, बिकेंगे भी कैसे, यहाँ पे कोई यूज ही नहीं करता। यहाँ शादी के बाद पहला बच्चा सिर्फ ये साबित करने के लिए जल्दी पैदा करना पड़ता है कि दोनों मियाँ बीवी सेहतमंद है, और दूसरा पहले के साथ खेलने के लिए, और तीसरा दोनों को लड़ाई से बचाने के लिए, चौथा दो दो की जोड़ी पूरी करने के लिए, पांचवां बाजार से दही लाने के लिए, छठा उस रात कट्टा खादा सी, सातवां एवी हो गया जैसे मेरा दो दुल्ली, आठवां मच्छी खादी सी, नौवां गलती नाल, दसवां मियाँ फरीदी का फैन है, दसवें भी बस नहीं करते, ग्यारहवां टीम पूरी करने के लिए, बारहवां बंदे का लकी नंबर है जी, तेरहवां बस तेरह ही करने सी, मेरी सुन के होगी पर वो टास से मस ना हुए तो यार बस। ये वीडियो का पार्ट 4 था, पहली तीनों वीडियोस का लिंक नीचे कमेंट में है, वो भी जाके देख लेना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में दबा के शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन कॉल पे कर देना ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले, और इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। तो अच्छा यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।